क्या वहाँ कोई है? हम इंसानों ने बड़े लंबे वक्त से एलियंस के लिए पुकार लगाई है, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया। अब रिसर्चर एलियंस की बजाय एलियन टेक के निशान खोज रहे हैं और उसके लिए दुनिया के सबसे तेज रेडियो टेलीस्कोप को काम पर लगाया है। एलियन टेक क्या है, पहले इसे समझते हैं। ऑस्ट्रेलिया के तीन रिसर्चरों ने 2020 के अंत में हमारी धरती की गैलेक्सी यानी आकाशगंगा में एलियन टेक की तलाश शुरू की। उन्होंने गैलेक्टिक सेंटर में कान लगाकर एलियन टेक्नो सिग्नेचर्स को सुनने की कोशिश की। टेक्नो सिग्नेचर्स ऐसी रेडियो फ्रीक्वेंसी को कहते हैं जिन्हें रेडियो टेलीस्कोप की मदद से पकड़ा जा सके। जिस इलाके में उन्होंने तलाश की, वहां हमारे सोलर सिस्टम के बाहर मौजूद 144 एक्सोप्लैनेट्स के अलावा अरबों तारे बिखरे हैं। बाहरी अंतरिक्ष की फ्रीक्वेंसी को पकड़ने के लिए वैज्ञानिकों ने मर्चिसन वाइट फील्ड एरे टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया। ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है, जहां बहुत शांति रहती है और साल भर जलवायु भी एक जैसी बनी रहती है, यानी ऐसी निगरानी के लिए परफेक्ट माहौल। वाइट फील्ड एरे किसी आम टेलीस्कोप जैसा नहीं दिखता। ये कई छोटे छोटे एंटीना से मिलकर बना है, जिन्हें एक साथ जोड़ने से कम फ्रीक्वेंसी वाले बेहद प्रभावशाली रेडियो एरे बनते हैं। 70 से 300 मेगाहर्ट्ज की ऐसी फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल सूर्य और उसके आसपास के हेलियोस्फीयर के बारे में जानने के लिए भी किया जाता है। 7 घंटे से भी अधिक समय तक अंतरिक्ष में कान लगाए रहने पर भी उन्हें क्या सुनाई दिया? कुछ भी नहीं, केवल सन्नाटा। तो क्या मान लेना चाहिए कि धरती से बाहर जीवन है ही नहीं? मेरे ख्याल से नहीं। एलियन से संपर्क करने की सबसे जबरदस्त कोशिश आज से 40 साल पहले शुरू हुई। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने दोस्ती का संदेश लेकर अंतरिक्ष में 2 स्पेस प्रोब भेजे थे। इस प्रोब में एक फोनोग्राफ था जिसमें कुछ आवाजें और तस्वीरें दर्ज थी। इसे गोल्डन रिकॉर्ड कहा गया। इसे भेजने का मकसद था कि जब कोई एलियन उसे देखे तो समझ जाए कि हमारे ग्रह धरती पर जीवन कैसा है। इसमें एक बच्चे की ये आवाज थी, Hello from the children of planet Earth. और लोगों की खाने पीने की ये तस्वीर। आज ऐसा रिकॉर्ड ले जाने वाले प्रोब्स में से एक वॉयजर 1 हमारी धरती से 22 अरब किलोमीटर दूर है, यानी इंसान की बनाई कोई चीज जो आज धरती से सबसे ज्यादा दूरी पर है। लेकिन गैलेक्टिक आयामों में ये अरबों किलोमीटर की दूरी भी बहुत मामूली होती है, इसलिए हो सकता है कि वॉयजर अब भी किसी एलियन से बहुत दूर हो। एक बार फिर ताजा एक्सपेरिमेंट पर लौटते हैं। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने आज तक के सबसे बड़े इलाके में अंतरिक्ष की आवाजें सुनने की कोशिश की है, 144 एक्सोप्लैनेट्स में। लेकिन आज तक जितने एक्सोप्लैनेट्स का पता चल चुका है, यानी 4905, उनका तो ये एक छोटा सा हिस्सा है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ज्यादातर तारों का एक एक्सोप्लैनेट तो होता ही है। इस हिसाब से तो ऐसे अरबों एक्सोप्लैनेट होंगे। इससे भी ये पता चलता है कि अगर कुछ 100 एक्सोप्लैनेट से कोई आवाज नहीं आई तो बाकी के अरबों से भी नहीं आएगी, ये जरूरी नहीं। इसलिए कहा नहीं जा सकता कि बाहर कहीं जीवन है या नहीं। और ये भी तो सोचिए कि हम मानकर चलते हैं कि एलियन भी हमसे मिलती जुलती तकनीक का ही इस्तेमाल कर रहे होंगे, जबकि ये संभावना भी तो है कि एलियंस जिस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, हम इंसानों को उसका रत्ती भर भी आइडिया नहीं है। पहले भी ऐसा हुआ है जब वैज्ञानिकों ने बेहद रहस्यमय कॉस्मिक साउंड सुने। क्या हम एलियंस को खोजने के करीब जा रहे हैं? आजकल के रेडियो टेलीस्कोप कॉस्मिक गतिविधियों को देख पाने में कहीं ज्यादा कामयाब हैं। जैसे ऑस्ट्रेलियन स्क्वायर किलोमीटर एरे पाथफाइंडर, जो वाइट फील्ड एरे टेलीस्कोप वाले इलाके में ही लगाया गया है। जनवरी 2020 में वैज्ञानिकों को वहां कुछ बहुत अजीब हाथ लगा। ऐसे रेडियो सिग्नल मिले जो हमारे आकाशगंगा के केंद्र से आए थे। ये ऐसे सिग्नल थे जैसे पहले कभी नहीं देखे गए। वैज्ञानिकों ने बताया कि ये बिल्कुल अलग तरह के खगोलीय पिंड से आए लगते हैं। फिर भी हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि एलियंस का पता चल गया। रिसर्चर उस सिग्नल की गहराई में गए तो जिस अनोखी गैलेक्टिक घटना का पता चला, उसे कॉस्मिक बर्पर का नाम दिया गया। सीधे सीधे कहें तो अभी एलियंस के होने का कोई पक्का सबूत हमारे हाथ नहीं लग पाया है, लेकिन दुनिया भर के वैज्ञानिक ये तो मानते हैं कि एलियंस के होने की संभावना है। अमेरिकी खगोल विज्ञानी कार्ल सेगन की बात पर अपनी बात खत्म करती हूँ। ब्रह्मांड एक बहुत बड़ी जगह है, अगर यहाँ सिर्फ हम ही हैं तो ये तो इतनी सारी जगह की बर्बादी होगी।